माय गॉड, आप देख सकते हो गाइस, ये है द फेमस दही वड़ा ऑफ राम मंदिर। वाओ, कितना अमेजिंग लग रहा है। तो या गाइस, ये शायद दही वड़ा है, आई मीन इतना ह्यूज क्वांटिटी में। एंड ये समोसा वड़ा। तो या गाइस, मैं हूँ फेमस राम मंदिर के साइड में, जो विदाउट ऑनियन एंड गार्लिक में बनता है, वो सब के पास वो है डालमा, आप देख सकते हो। एंड वो शायद यहाँ के ओनर होंगे। ये है चकोली, ये है छेना पूड़ा, ये है स्पेशल दही वड़ा। मैं अभी टेस्ट करूंगा, मैंने ब्रेकफास्ट टेस्ट कर लिया, अभी बारी है। ये उपमा, आप देख सकते हो कितना शानदार बना है उपमा। एंड ये है रसगुल्ला। एंड ये क्या है पता नहीं मेरे को, क्या मसाला वाला डोसा बनता है। ये छेना पूड़ा एंड इडली वगैरह। भुवनेश्वर का फर्स्ट बाइट। नाइस। ये डालमा चेक कीजिए, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग। माँ बहुत ज्यादा डिलीशियस। सुपर गुड। सो यार गाइस, आई एम बीइंग ऑनेस्ट, द टेस्ट इज सुपर गुड। मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये दाल इतना अच्छा लगेगा। द उपमा इज सुपर डिलीशियस एंड सो इज द आलू बोंडा। ये दालमा का टेक्सचर काफी अच्छा है। दालमा एंड उपमा, तो आई एम एंजॉयिंग दिस। एंड आलू बंडा भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। ये पेट फुल हो जाएगा और खाने का मन नहीं करेगा। एक नंबर। सो ये है द फेमस दही वड़ा। वाव, दही में पूरा डिप्ट है। मुझे पता नहीं था ये थोड़ा स्वीट साइड में है, बोल के। इट्स गुड, इट्स गुड। ये हमारा दही बड़ा एंड ये दही का टेक्सचर काफी अच्छा है, बहुत स्वीट है एंड काफी थिक है। ये वड़ा का टेस्ट भी काफी सही है, बियर तो नहीं बोलूंगा बट सही बोल सकता हूँ। मैं खत्म कर दिया, आप लोगों से मिलता हूँ। सो दैट इंडीड द टेस्ट वॉज सुपर गुड। आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय द वंडरफुल टेस्ट एंड देयर वंडरफुल हॉस्पिटैलिटी। आई मीन उन्होंने थोड़ा सा ही मेरे को मना नहीं किया वीडियो वगैरह बनाने के लिए, मैंने पूछा भी नहीं क्योंकि कितना पूछता फिर मैं। तो यार मेरे को बहुत ही अच्छा लगा यहाँ का खाना एंड स्पेशली वो कर्ड में जो डिप था वो बड़ा, तो इट वॉज रियली अमेजिंग एंड आई रियली एन्जॉयड द टेस्ट। एंड अभी मैं देख रहा हूँ कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं, आई हैवन डिसाइडेड येट, बट मेरे दोस्त लोग हैं इधर, शाम को मिलेंगे सोच रहे सब कोई, बट किन किन से मिलूँ मैं वो सोच नहीं पा रहा। तो अभी तो अकेला घूम रहा हूँ एंड लेट्स सी क्या होता है आगे। सो बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा सोचा हूँ, पता नहीं एक अलग वे में वीडियो बना रहा हूँ एज ए व्लॉगिंग वे में, तो होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। सो यार गाइस, मैं अपना होटल वापस जा रहा हूँ एंड अभी तो शायद कंटेंट के लिए मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ। किशोर भाई का 10:30-12:30 बजे मिलेगा, तो उतना टाइम जाऊँगा, अभी नहीं जाऊँगा। तो या लेट्स सी क्या होता है आगे। एंड बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं किधर जाऊँ क्या करूँ। पहली बार मैं इधर उधर घूमता रहता हूँ बट कभी भी कंफ्यूज नहीं होता, इधर ही कंफ्यूज होता हूँ। तो बाय बाय। तो अभी मैं अपना होटल में फिर से आ चुका हूँ एंड थोड़ा सा पता नहीं क्या क्या करते हैं, पता नहीं मेरे को अभी।
तो उसे कंटेंट सर्च करके फिर ढूंढना पड़ेगा। जो जो लोकेशन दिया है वो फूड का, वो ढूंढ नहीं पा रहा हूँ मैं, एंड शायद एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दिया इसलिए ऐसा हो रहा है। तो चलिए फिर भी देखते हैं, सर्च करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एंड या गाइस, मैंने गलती कर दी, आप लोग कभी ऐसा मत करना। मैं कहा क्या क्या की, ऑटो से चला गया 200 रुपए दे के, फिर ऑटो से आ गया 200 रुपए दे के, मतलब, और मैंने वो ब्रेकफास्ट कर लिया 100 रुपए का, मतलब 500 रुपए मेरा ऐसे ही गोल हो गया फालतू का। तो आप लोग ऐसा कभी मत करना। मैं भूल गया था उबर डाउनलोड करना तो मैं फिर से उबर किया। उबर में काफी चीप है सब कुछ, तो या उबर कर सकते हो, बढ़िया लगा मेरे को। तो या अभी नेक्स्ट टाइम से मैं जाऊंगा अभी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तो उबर ही करूंगा कुछ देर बाद, तो रेस्ट कर लेता हूँ। One million, zillion, jillion, dillion, cotillion times later. So, yeah guys, it's 11:50 and तुम्हारा भाई फिर से निकल चुका है रूम से फ्रेश वगैरह होके। मैं अभी जा रहा हूँ, बहुत सारा तीन ठो ऑलमोस्ट वीडियो शूट करना है। तो चलिए हम लोग जाते हैं और आगे मिलते हैं आपसे। अभी हमारे एक दोस्त आ रहे हैं, उनका नाम है सुभाषीष, सीनियर है, तो उनसे मिलेंगे। उसके बाद हमारी बचपन की एक दोस्त से मिलेंगे शाम को या फिर कल मिलेंगे, तो बहुत ही मजा आने वाला है। आप लोग दिखते रहिए एंड बहुत सारे नए फूड्स, डिलीशियस फूड ट्राई करेंगे। तो या गाइस, मैं अभी निकल रहा हूँ, सुभाषीष भाई आ रहे हैं, इसलिए उनका वेट किया हूँ। एंड तभी मैं अभी जा रहा हूँ कालिया भाई ना बोरा के पास, एंड उसके बाद मैं जाऊंगा एक अनलिमिटेड बिरयानी शॉप है उधर जाऊंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा किशोर भाई ना के पास। मैंने देख लिया अभी बिरयानी का दम लगने वाला चिकन, आप देख सकते हो कितना प्रीटी लग रहा है। तो यार मैं ये खाऊंगा, मेरे होटल, मैंने जहाँ होटल लिया है उसके बाजू में ही है, तो बहुत ही मजा आने वाला है। इसका अरोमा मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आप लोग देख सकते हो ये है दम, मतलब दम लगने जा रहा है, चिकन मैरिनेट किया है। तो ये मिला मेरे को शॉप, अगर आप लोग चाहते हो, मेरा मन हुआ तो मैं इधर भी एक रिव्यू कर लूंगा, क्योंकि बिरयानी मेरे को बहुत ही अच्छा लगा एंड कुछ चाइनीज वगैरह भी लिखा हुआ है, सो लेट्स सी कैसा रहता है सच में। सो या गाइस, इट इज क्वाइट इम्प्रेसिव, मैंने अभी अपनी आंखों से केसर पुट करते हुए बिरयानी में देखा, ओह वाओ।